नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में, और मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और आज हम सीखने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कंकाल तंत्र की बेसिक जानकारी को प्राप्त किया था, और हमने बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र के बारे में समझा था। दोस्तों आज हम अंतः कंकाल तंत्र को विस्तृत पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अंतः कंकाल तंत्र। और अंतः कंकाल तंत्र को हमने बोला था कि यह अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थियों को, जो कि अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। अस्थियां, या जिसे आप बोल सकते हैं बोन्स या कंकाल, क्योंकि कंकाल किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है। और आप भली भांति जानते हैं कि वयस्क पुरुष या वयस्क मनुष्य में कितनी बोन्स होती है? 206 यानी 206 बोन्स होती है। दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर आपको अस्थियों के बारे में बताऊँ। तो अस्थियों के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है। हमारे कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कैसा? सबसे पहला होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। पहला कंकाल तंत्र कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसे आप मुख्य कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं, जिसे आप मुख्य कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में इसे कहे तो इसे कह सकते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आप इसको एक अन्य टाइप का होता है जिसे आप उपांगीय कंकाल तंत्र कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है अनुबंधी कंकाल तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार का हो गया? दो, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा हो गया उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसे अनुबंधी कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं। दोस्तों समझते हैं ये दोनों चीज क्या होती है। दोस्तों बहुत सरल है। दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र में मुख्य भाग आता है। शरीर का कौन सा भाग आता है? शरीर का मुख्य भाग आता है। कौन कौन सा? जैसे कि पूरा हमारा सिर, हमारा आगे वाला भाग स्टर्नम, हमारी पसलियां, और पीछे हमारी की रीढ़ की हड्डी। क्लियर दोस्तों? चलिए समझने से पहले एक और बात आपको याद रखना है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल हड्डियां कितनी होती है? 80। और उपांगी कंकाल तंत्र में कुल हड्डियां अस्थियां कितनी होती है? 126। जब आप 80 और 126 को जोड़ते हो तो टोटल कितनी बनती है? 206। हम विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र। और अक्षीय कंकाल तंत्र में पहली बार हम पढ़ने शुरू करते हैं, या स्टार्टिंग जिससे करते हैं वो होता है सिर। और सिर को आप क्या लिखते हैं? हेड। और हेड में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 29 अस्थियां होती है। हम हर चीज को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी केवल हम एक डायग्राम बना रहे हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सिर के पश्चात, ये सिर हो गया, सिर के पश्चात ये वाला भाग जो होता है स्टर्नम कहलाता है, ये वाला सीने की हड्डी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीने की हड्डी, सीने की अस्थि, क्या बोला जाता है दोस्तों? सीने की अस्थि। और सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, और हाफ हिंदी में आप इसको किस नाम से जान सकते हो? इसे बोल सकते हो वक्ष अस्थि, वक्ष अस्थि। और आप अगर इसकी संख्या देखनी है तो संख्या में होती है एक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिर के बाद, सीने के बाद फिर हमारी आती है रिप्स, जिसे आप पसलियों के नाम से जानते हो। तीसरा हो जाता है पसलियां, इसे आप क्या नाम देते हो? रिप्स। क्या नाम देते हो? रिप्स कह देते हो। और अगर आप इनको देखोगे तो ये कितना होता है साथियों? 12 जोड़ी। कितना होता है? 12 जोड़ी, यानी टोटल संख्या में कितना होता है? 24।
कितना होता है दोस्तों, संख्या में 24 होता है, और कितना जोड़ी, 12 जोड़ी। और लास्ट पॉइंट बच जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी को आप इसे किस नाम से जानते हो, बैकबोन। बायोलॉजी में इसे क्या बोल सकते हैं, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। यहां हम केवल उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो मुख्य है, मुख्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हमारा पूरा के पूरा सिर आ जाता है यहां तक, सामने वाली सीने की हड्डी जिसे स्टर्नम कहा जाता है, और इस स्टर्नम से जुड़ी हुई ये पसलियां आ जाती है, और पसलियां पीछे जिससे जुड़ी रहती है वह रीढ़ की हड्डी भी यहां पर सम्मिलित की गई है। अगर आप 29, 1, 24 और इसकी बात कर लेते हैं पहले, चलिए समझना। कशेरुकदंड, कशेरुकदंड की बात करेंगे तो यहां आपको समझने की आवश्यकता है कि बच्चों में अलग और वयस्कों में इसकी मात्रा अलग होती है। यदि इसको बच्चों में काउंट करते हो तो बच्चों में होती है 33, कितनी होती है दोस्तों 33, और वयस्कों में इसको काउंट करते हो तो इसकी संख्या हो जाती है 26। ठीक है, चलिए अगर 80 हड्डियां आपको इसके अंतर्गत गिनना है तो 29, 1, 24 और 26 जब आप इनको काउंट करते हो, इनको गिनते हो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी हो जाती है, 80। और यह सारा का सारा सिस्टम मिलाकर क्या बनाता है, आपका अक्षीय कंकाल तंत्र बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र बनाता है। अब इसके पश्चात अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में समझने के पहले हम यहाँ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हम अभी केवल एक डायग्राम के रूप में समझ रहे हैं, ताकि जब हम एक एक चीज़ों को पढ़ें तब आपके दिमाग में पहले से बात रहे कि हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम पढ़ने वाले हैं उपांगी कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा रहता है, तीन भागों में बटा रहता है। ठीक है, पहले भाग में आता है अग्रपाद। मनुष्य जो होता है ना, पहले चार पैर पे ही चलता था, अपनी सुविधा के अनुसार दो को हाथ बना लिया, दो को पैर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे आगे वाले पैर थे, ये हमारे नीचे वाले पीछे वाले पैर थे, तो इनको कहा जाता है अग्रपाद। हाथ को क्या कहा जाता है, अग्रपाद। इसे लिखा जाता है फोर लिम्स। क्या लिखा जाता है, फोर लिम्स लिखा जाता है। और नीचे वाले दो पैर को लिखा जाता है पश्चपाद, यानी पीछे वाले। और इन्हें लिखा जाता है हाइंड लिम्स। क्या लिखा जाता है, हाइंड लिम्स लिखा जाता है। और इसके पश्चात इन दो हाथों को यहां से जोड़ने के लिए हमारे पास यहां पर और यहां पर अंशमेखला होती है, और नीचे वाले दोनों पैरों को जोड़ने के लिए श्रोणी मेखला होती है। तो तीसरा जो हिस्सा हो जाएगा हमारा मेखलाएं। क्या हो जाती है, मेखलाएं, जिन्हें लिखा जाता है गर्डल्स। क्या लिखा जाता है मेरे दोस्तों, गर्डल्स लिखा जाता है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि अभी ये फॉर्मेट चल रहा है, हम एक चीज हर चीज को डायग्रामेटिकल समझेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अग्रपाद को समझिए, अग्रपाद की बात की जाए तो दोस्तों अग्रपाद में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना 30 एक हाथ में होती है, और हाथ हमारे पास कितने हैं, दो। तो 30 × 2 यानी 60। दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 60 होती है। पश्चपाद की बात करते हैं तो एक पैर में होती है 30, तो पैर कितने हैं, दो, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई, 60। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये केवल डायग्रामेटिक चीज़ें, हम इस फ्रेम को बनाने के पश्चात डिटेल से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और मेखलाएँ, मेखलाएँ कितनी है, 6। दोस्तों अब देखिए 60 और 60 120 120 और 6 126 126 हमारी अनुबंधी कंकाल तंत्र की अस्थियां होती हैं, और अक्षीय कंकाल तंत्र की अस्थि होती है। जब दोनों को जोड़कर हमारा अंतः कंकाल तंत्र बनता है तो उसमें कितनी हड्डियां बन जाती है, 206। बिना देरी किए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम समझते हैं सिर यानी हेड को, फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, यानी सिर यानी हेड के ऊपर चलेंगे। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों बिना देरी किए अब हम चलते हैं सिर के ऊपर। आप कॉपी कलम में लिखिए, हेडिंग डालिए हेड। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, हेड यानी सिर किसे कहते हैं,
सिर किसे कहते हैं? दोस्तों आप पाएंगे, सर ये हमारा सिर होता है, यह हमारा क्या होता है भाइयों? सिर होता है। तो आप हेडिंग डाले हैं सिर, और सिर को आपने नाम दिया हेड। क्या नाम दिया? हेड नाम दिया। दोस्तों याद रखना सिर के अंदर कितनी चीज आती है यहां पर? अच्छा टोटल बोन्स कितनी हुई थी हमारी? 29 हुई थी। कितनी हुई थी? 29 हुई थी। सिर में कौन कौन सी चीजें आती है समझना। सबसे पहले आता है क्रेनियम। क्या आता है? क्रेनियम। और क्रेनियम को हिंदी में लिखा जाता है कपाल या करोटी। कपाल या करोटी, क्या लिखते हैं? कपाल या करोटी। यह है सिर। ये ऊपर वाला केवल यहां से देखिए, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यह क्या कहलाता है? आपका क्रेनियम कहलाता है। और कपाल या करोटी में कुल अस्थियां कितनी होती है? 8। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। उसके पश्चात आता है फेसियल बोन। क्या आती है? फेसियल बोन आती है। और फेसियल बोन को हिंदी में क्या कहा जाता है? चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां दोस्तों, चेहरे की अस्थियों को देखो तो टोटल कितनी होती है? 14। चेहरे में हमारी टोटल जो चेहरा बना है कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? 14, यानी 14 अस्थियों से मिलकर बना है। दोस्तों ध्यान देने योग्य यह बात है कि क्रेनियम और फेसियल यानी ऊपर वाला हिस्सा और चेहरा जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको खोपड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोपड़ी कहा जाता है। और खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कल। और स्कल में टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 8 और 14 यानी 22। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22। करोटी, कपाल, क्रेनियम में कितनी होती है? 8। चेहरे पर कितनी होती है? 14। और पूरा का पूरा संपूर्ण हिस्सा जो होता है सिर, सिर में कितनी होती है? 29। तो और काउंट कर लेते हैं यहां पर, तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा क्रेनियम, फेसियल, फिर हमारे आते हैं कान। कान को देखिए आप, हम बात कर रहे हैं ईयर बोन। ईयर बोन की बात कर रहे हैं जिसे लिखा जाता है कान की अस्थियां। क्या लिखा जाता है? कान की अस्थियां। दोस्तों एक कान में 3 होती है। कान की अस्थियां क्या होती है? एक कान में 3 होती है। और कान कितने हैं? 2। यानी टोटल कान में कितनी अस्थियां होती है? 6 होती है। कान की अस्थियों की बात कर रहे हैं, एक कान में कितनी होती है? 3। कान कितने होते हैं? 2। तो उस प्रकार से कितनी अस्थियां हो गई? 6। तो वो कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों पहली होती है मेलियस। कौन कौन सी होती है देखिए आप, पहली होती है आपकी मेलियस, मेलियस अस्थि। दूसरी होती है इंकस अस्थि, और तीसरी होती है आपकी मेलियस, इंकस और स्टेपिच अस्थि। क्या आप यहां तक मेरी बात समझ पाए? दोस्तों याद रखना कि मेलियस, इंकस और स्टेपिस ये तीनों अस्थियां कहां पाई जाती है? तो याद रखना यह मध्य कान में पाई जाती है। कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो हड्डियां हमेशा मध्य कान में पाई जाती है। किस कान में मिलेगी तीनों की तीनों? मध्य कान में या मध्य कर्ण में पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेलियस की बात करते हैं तो दोस्तों इसे हेमर बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमर बोन, हेमर बोन भी कहा जाता है। क्या बात का क्या कहा जाता है? हेमर बोन भी कहा जाता है। हेमर यानी हथौड़ा, क्योंकि इसकी आकृति हथौड़े जैसे होती है, इस वजह से इसका नाम क्या है? मेलियस। इसका नाम क्या है? हेमर बोन। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी होगी? हथौड़े जैसी, हथौड़े जैसी। प्रश्न आता है कि वह कौन सी आकृति, कौन सी हड्डी है जो आकृति रखती है हेमर या हथौड़े जैसी? तो मेलियस। ओके, इंकस की बात करते हैं, इसे कहा जाता है एनविल। क्या कहा जाता है? एनविल बोन। ठीक है दोस्तों, और इसकी आकृति कैसी होती है? एनविल का मतलब होता है कि जो मोची होता है उसके जो जूते रखने का जो उपकरण होता है वह,
तो इसकी आकृति क्या होती है? मोती के जूते रखने के उपकरण जैसी होती है, मोची, मोची के जूते रखने के उपकरण जैसी, के उपकरण जैसी कैसी होती है दोस्तों? मोची के जूते रखने के उपकरण जैसी इसकी आकृति होती है दोस्तों। चलिए, दोनों ओर पैर रखने की जगह, पैर रखने की जगह, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लास्ट टाइम लिखा है घोड़े के दोनों ओर पैर रखने की जगह जैसी आकृति होती है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्रमांक एक से बनता है। किससे बनता है? मेलियस से। मेलियस की आकृति कैसी होती है? हमर जैसी। हमर का अर्थ होता है हथौड़ा, यानी हथौड़े जैसी हड्डी किससे बोलते हैं? मेलियस को कहा जाता है। मोची के जूते रखने के उपकरण जैसी आकृति किसकी होती है? इंकस की। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? एनविल बोन कहा जाता है। स्टेपीज अस्थि स्ट्रिप्ट बोन कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति घोड़े के दोनों ओर पैर रखने की जगह जैसी होती है। दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बनता है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और प्रश्न है स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपीज होती है। चलिए, और लास्ट क्रेनियम फेसियल ईयर बोन, और चौथा हमारा दोस्तों चौथे नंबर की जो बोन हो जाएगी हमारी, चौथे नंबर की हो जाएगी हायोड बोन, हायोड अस्थि। दोस्तों चौथे नंबर की जो हमारी अस्थि हो जाती है वो हो जाती है हायोड अस्थि। कौन सी हो जाती है? हायोड अस्थि हो जाती है। हायोड अस्थि कहां स्थित होती है दोस्तों? अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है पहले देखिए, संख्या होती है एक। कहां स्थित होती है? गले में। गले में जब आदमी सुसाइड करता है या फांसी पे चढ़ाया जाता है तो यही डैमेज होती है। और इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? इसकी आकृति यू शेप जैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? यू शेप जैसी होती है, ठीक है, या फिर इसे घोड़े की नाल जैसी आकृति भी कह सकते हैं। दोनों जैसी आकृति सेम टू सेम होती है, ठीक है दोस्तों। और हायोड अस्थि के बारे में एक पॉइंट याद रखना, यह शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि होती है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है, यह जीभ से जुड़ी रहती एकमात्र, ठीक है, ठीक है, यह स्वतंत्र अस्थि होती है। क्या बोल सकते हैं? यह स्वतंत्र अस्थि होती है, यह किसी दूसरी अस्थि को, किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है, यह केवल एकमात्र जीभ से जुड़ी रहती है दोस्तों। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, अब दोस्तों अगर देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं पहला प्रश्न पूछूं कि अस्थियों की संख्या, तो आप बोलेंगे अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों, अस्थियों की संख्या बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है 270 से 280। भ्रूण में कितनी होती है? जब आप मम्मी के पेट में रहते हो तो होती है 300। और वयस्क अवस्था में कितनी होती है दोस्तों? तो वयस्क अवस्था में होती है 206। दूसरी फैक्ट हो जाता है आपके लिए तैयार कि यहां की जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? हायोट। गले की हड्डी का नाम क्या है? गले की हड्डी का नाम पूछा जाता है और आप क्या बोलेंगे? हायोट। वो संख्या में कितनी होती है? एक। चलिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी अस्थि होती है
फीमर, और इसकी लंबाई कितनी होती है 45 सेंटीमीटर, कितनी होती है 45 सेंटीमीटर, या शरीर की लंबाई की, शरीर के लंबाई के 1/4 होती है, यानी किसी की लंबाई छोटी है तो उसके शरीर की कितनी होती है 1/4, परंतु सामान्यतः लंबाई कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों यह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होगी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी दोस्तों, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि हो जाती है हमारी स्टेपीच। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित होती है, मध्य कर्ण में स्थित होती है दोस्तों। कितनी लंबाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 3 मिलीमीटर की। कितनी होती है दोस्तों इसकी लंबाई, 3 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, मजबूत अस्थि जो होती है, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जो होती है वो होती है जबड़े की अस्थि। कौन सी होती है दोस्तों, जबड़े की अस्थि होती है, जबड़े की अस्थि। अब जबड़े कितने होते हैं दोस्तों, जबड़े होते हैं दो। कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचला जबड़ा। दोस्तों ऊपरी जबड़ा जो होता है उसका नाम है मैक्सिला, ऊपरी जबड़ा जो होता है उसकी अस्थि का नाम क्या है, मैक्सिला, मैक्सिला अस्थि। और जो निचला जबड़ा होता है उसकी अस्थि का नाम है मैंडिबल, मैंडिबल अस्थि। क्या नाम है, मैंडिबल अस्थि। ठीक है, तो शरीर की या सबसे मजबूत अस्थि या हड्डी की बात करें तो जबड़े की अस्थि होती है। जबड़े की अस्थि, दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ऊपरी जबड़े की अस्थि का नाम है मैक्सिला और निचले जबड़े का नाम है मैंडिबल अस्थि। दोस्तों याद रखना, जो मैंडिबल होता है वह शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। जो मैंडिबल है यह शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त एक और चीज़ याद रखना यहाँ से, कि यह एक ऐसी अस्थि होती है जो गतिशील होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, गतिशील अस्थि, गतिशील अस्थि होती है, गतिशील अस्थि। ठीक है, बाकी हड्डी अपनी जगह से नहीं हिलती, परंतु इसमें मूवमेंट होता है ये। ठीक है, पूरे के पूरे सिर में जिसमें गति पाई जाती है वो कौन सी हड्डी होती है, मैंडिबल अस्थि होती है दोस्तों। नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी होती है वो गतिशील होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ अन्य फैक्टों के ऊपर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ और। दोस्तों आप याद रखना कि जो ये तालु है, ये अंदर जो लटका हुआ तालु रहता है अंदर साइड, तालु की अस्थि को क्या नाम है, तालु की अस्थि। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है एसएससी में, विशेषकर पूछा जाता है, तालु की अस्थि का नाम है पेलेटाइन। याद रखना पेलेटाइन, तालु की अस्थि का नाम क्या है, पेलेटाइन। ठीक है दोस्तों, तालु के अलावा नाक की बात करते हैं। नाक, तो नाक में दो अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां होती है, दो अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, दो अस्थियां होती है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एथमोइड। क्या नाम है इनका, एथमोइड, एथमोइड अस्थि बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब गाल, गाल की जो हड्डी होती है, गाल के पास में जो चेहरे के अंदर हड्डी होती है, तो गाल की अस्थियां, उनका नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। याद रखना बहुत काम का है प्रश्न दोस्तों। तो गाल की जो अस्थियां होती है उसका नाम है जाइगोमेटिक। नाक के अंदर ये नीचे देखोगे तो आपकी उपास्थि होती है, जबकि ऊपर देखोगे तो हड्डी होती है, उनका नाम क्या है, एथमोइड अस्थि। और तालु की अस्थि का नाम क्या होता है, पेलेटाइन। क्या होता है दोस्तों, पेलेटाइन होता है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट बच जाता है, आंखों के कोटर की अस्थि। याद रखना आंखें एक गड्ढे में स्थित है, ये गड्ढा है,
इस गड्ढे में स्थित है और इस गड्ढे में जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का नाम है लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतनी सी जानकारी हम डिस्कस करते हैं और हम हर पॉइंट को जो भी आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया है हम उसको कवर कर रहे हैं। एक सिंगल प्रश्न यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले हिस्से में, अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।